नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसकेएन एग्रो न्यूज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम अपने खेत के अंदर दवा स्प्रे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2022 और हमारी सोयाबीन की जो फसल है वो हो चुका है 1 महीना और 2 दिन की, यानी इसको हमने लगाया था 5 जुलाई 2022 के दिन। तो इसके अंदर अभी हम फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं इल्लियों का। इसके अंदर कहीं कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि पत्तों में छेद है और जो मच्छर होते हैं वो भी इस फसल के अंदर हैं। तो आज हम इसके अंदर दवा स्प्रे कर रहे हैं। तो इसके अंदर अभी हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन से इसके अंदर दवा स्प्रे कर रहे हैं और इसके अंदर पूरा जो पाइप है 1000 फीट का वो लंबा कर दिया है, यानी पूरा उसको खोल दिया है। हम आपको मशीन भी दिखाएंगे, काफ़ी दूर खड़ा है मशीन, चेतक स्प्रे पंप मशीन है जो करजू चौराया बड़ी सादड़ी का बना हुआ है। और ट्रैक्टर के आरपीएम भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए 700-800 आरपीएम पे स्लो रेस पर ट्रैक्टर चल रहा है। और यहाँ पर इसका मशीन का जो नली फोल्डिंग करने का सिस्टम है, इस गियर को आप कपलिंग कर दीजिए यहाँ से, और जो पेडल है इस पर आप पैर रखेंगे तो नली ऑटोमेटिक फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, आसानी से जल्दी से एक आदमी पूरा 1000 फीट का पाइप कुछ मिनटों के अंदर इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा पाइप है, डेट्रॉन का पाइप है इसके साथ में, और 500 लीटर की ड्रम की कैपेसिटी है। नटराज का पंप है इसके ऊपर, स्प्रे पंप, एचटीपी पंप जिसे हम बोलते हैं। और इसके आगे जो गन आती हैं वो भी नटराज की हैं, लेकिन हमने इसके आगे जुगाड़ किया है। जो पाइप आती हैं सर्विस स्टेशन पे हम यूज़ करते हैं, जिसको गाड़ी वॉश करते हैं, उस तरह का मुलायम पाइप इसके अंदर आगे हम लगाए हैं 20 फीट का। और जो गन है वो भी हमने हल्का लगाया है, यानी उस पहले वाले इसके साथ में जो गन आई थी उसमें 1 किलो से ऊपर ज़्यादा वेट था, तो उसको पकड़ने में और दवाई छिड़कने काफ़ी परेशानी होती थी, थकान आ जाती थी। तो हमने थोड़ा हल्का गन लिया है और वो पाइप लगाने के बाद में बहुत ही आसानी से उसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। जो पाइप होता है डेट्रॉन का वो थोड़ा हार्ड है, तो उसको हम घुमाने में काफ़ी दिक्कत होती है और हाथ दर्द करने लग जाता। अब हालांकि जो अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर आगे थोड़ा सॉफ्ट पाइप दिया है, उससे आप आसानी से दवा स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हम दवा स्प्रे कर रहे हैं, वो दवाई हैं प्रोपेनफॉस प्लस साइपरमेथिन है, और उसके साथ में हमने मिलाया है थाइमोक्सोम मिलाया है, और साथ में हम एक पीजीआर भी दे रहे हैं इसका, ग्रोथ जो ग्रोथ बूस्टर होते हैं वो भी इसके अंदर डाला है हमने। और ये जो 500 लीटर का ड्रम है इसके अंदर दवा मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा 2 हेक्टर के अंदर आ जाएगा, यानी समथिंग 8 बीघे के आसपास हम दवा स्प्रे कर देंगे इसके अंदर। और इस दवा को स्प्रे करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं हम। कहीं कहीं पर गहरे अगर हम छूट जाएगी ज़मीन फसल में तो वहाँ पर इल्लियाँ रह जाएगी। इतनी इल्ली अभी है नहीं इसके अंदर, लेकिन अभी शुरुआत में हम इसमें फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँ। और आगे हम इसके अंदर 1-2 स्प्रे और करेंगे जब जैसे जैसे फसल बड़ी होगी। ये पहला स्प्रे है, और ये जो सोयाबीन की वेराइटी है JS 2034 वेराइटी है, इसके सफ़ेद फूल आते हैं। इसमें भी 2 वेराइटी आती हैं, एक थोड़ी बड़ी होती हैं, ये छोटी वाली है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फसल है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट किया है कि आपकी फसल थोड़ी छोटी है, इसमें इतनी फुटान नहीं हुई। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि गर्मी के अंदर हमारे इस खेत के अंदर उड़द की फसल थी, मूंग और उड़द दोनों थे, इस कारण ये थोड़ी छोटी रह गई। लेकिन आधे से ज़्यादा खेत के अंदर फसल काफ़ी अच्छी है, उसकी हाइट भी अच्छी है, अपने घुटनों से भी ज़्यादा बड़ी हाइट है। उसके अंदर हमने देसी गोबर का खाद डाला हुआ है, तो वहाँ पर फसल बहुत ही ज़ोरदार है और अच्छे फूल आए हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो पाइप है वो आज लंबा कर दिया है, लंबाई ज़्यादा है खेत की, और काफ़ी दूर ट्रैक्टर चल रहा है। और किसान भाइयों, इसके अंदर हमने 2 बार कल्टीवेशन किया है ट्रैक्टर के द्वारा, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर एक बार जाके चैनल पे आप देखिए, ट्रैक्टर के द्वारा खरपतवार हटाए हैं इसके अंदर। और अगर इसके अंदर अब खरपतवार उग के आएगा
तो इसको हम मजदूर से हाथ से इकट्ठा करवा लेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी तो दोस्तों यहाँ पर हम सोयाबीन के अंदर दवाई की बात कर लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी वैरायटी में दवाई आती हैं, कोराजन भी आती हैं, एम्पलीगो भी आती हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इल्लियों पर दवाई बनाती हैं। हमने यहाँ पर प्रोपेनोपॉस प्लस साइपरमेथिन का यूज़ किया है, साथ में थाइमोक्सोम दे रहे हैं। जो हरे मच्छर हैं वो उसके लिए हम थाइमोक्सोम डाल रहे हैं, और हम फल फूल के लिए यहाँ पर PGR ग्रोथ बूस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज का इस वीडियो में यही था कि हम पूरी फसल के अंदर स्प्रे करना है। और ये देखिए, आप 2 हेक्टेयर के समथिंग खेत है, इसमें तकरीबन हमें समय लगा है 1 घंटे का। इसके अंदर हम आसानी से स्प्रे कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन।